मैंने अपनी आज वाइफ को बोला कि आज तू अपनी गवाही दे लोगों को कि तेरी टेस्टिमनी क्या है। आमीन। हालेलुया चर्च, हालेलुया। तो कितने जन तैयार है परमेश्वर की महिमा जो मेरे जीवन में हुई उसे सुनने के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो महिमा में परमेश्वर है वो दयावान है। परमेश्वर निर्बलों को चुनता है उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए, ताकि जब दूसरे लोग उस निर्बल को देखें तो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की सामर्थ्य उनके जीवनों से दूसरे लोग भी शिफा पा सके, दूसरे लोग भी सामर्थ्य को पाए। आमीन। हम पहला कुरिन्थियों उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी गवाही देना चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में जब मैं पढ़ रही थी तो मैं बहुत ही पैशनेट थी अपनी स्टडी के लिए। मैंने पहले ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने PGDCA किया, उसके बाद मैंने MSc IT की, लेकिन इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मुझ में एक बहुत ही बड़ी कमी थी, एक कमजोरी थी, एक निर्बलता थी कि मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती थी, मैं किसी के सामने अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। इवन कि मैं अपने स्कूल में अपने टीचर्स के सामने जब जाती थी तो उनके पास जाकर धीरे से बोलती थी कि मैम प्लीज मुझे कुछ भी खड़े होकर बोलने के लिए मत बोलिएगा, क्योंकि मुझ में इतना हयाब नहीं है, मैं इतनी शाई हूँ कि मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती। इवन के 25 स्टूडेंट्स के सामने भी मुझ में इतना बल नहीं था कि मैं उनके सामने कुछ बोल सकूं। और टीचर्स पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, मैं उस समय कुछ नहीं बता पाती थी क्योंकि मैं बहुत ही शाई थी। और ऐसा ही चलता रहा स्कूल, कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती रही, बहुत पढ़ी, लेकिन इस पढ़ाई का, स्टडी का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो ज्ञान हमें परमेश्वर देता है चाहे वो स्टडी के थ्रू हो, वह तभी दूसरों के जीवन में काम करता है जब हम बोल के दूसरों को समझा पाते हैं। क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, डिलीवरेंस के लिए भी मुंह से अंगीकार किया जाता है, लेकिन मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी और निर्बलता थी कि मैं बोल के किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी, मैं खड़ी होकर लोगों में कुछ भी नहीं कह सकती थी, मैं इतनी कमजोर थी अंदर से। लेकिन और जब ये टीचर के पास जब नए क्लास में जाती थी तो टीचर को स्पेशल मिलती थी ये कि आप मुझे कोई भी ड्यूटी दे दो क्लास में, लेकिन मुझे खड़े होकर बोलने के लिए कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं बोल नहीं पाती हूँ, मेरे अंदर पता नहीं क्या चीज प्रॉब्लम है कोई। और ये प्रॉब्लम लगातार चलती रही, लेकिन जब मैंने मसीह को जाना, जब परमेश्वर का मसीह में कैसे आया वो बताओ। मैं जैसे मेरा पूरा परिवार मसीह में था और वो मुझे परमेश्वर के विषय में बहुत बताते थे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो इतने चमत्कार करता है, वो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, उसके पास जाए हम चर्च जाते हैं, लेकिन मैंने उनकी बातों का कभी भी विश्वास नहीं किया था। मैं परमेश्वर की विरोधी थी उस वक्त, मैं परमेश्वर का विरोध करती थी, मैं उदो बिल्कुल भी परमेश्वर नु जानती नहीं सी और परमेश्वर का विरोध करती सी, अपने पेरेंट्स का बिल्कुल भी, जो चमत्कारां दे विषय जो परमेश्वर दे वचन दे बारे दसते सी मैं बिल्कुल विश्वास नहीं सी करती। लेकिन एक दिन परमेश्वर की अद्भुत कृपा हुई कि ईस्टर वाले दिन जदों मेरी पूरी फैमिली तैयार हो रही सी प्रभु दे घर जाण दे लई, और तब ये खामरा चर्च को जानते भी नहीं थे ये पूरा परिवार, या तब मैं अपने मेंटर और आपके फादर को बिल्कुल नहीं जानती थी। तो उस वक्त सभी पूरी फैमिली तैयार हो रही थी और मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, क्योंकि मैंने तो चर्च में जाना नहीं था, मैं आराम से लेटी थी कि आज छुट्टी है, संडे का दिन है। तो एकदम से परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ मेरी बॉडी पर उतरी और उसी वक्त मेरी पूरी बॉडी पाताल में धस गई। सुनो। और सुबह के 6 बजे थे और पूरी बॉडी मेरी पाताल में धस गई और मेरी आंखें खुली थी, मुंह खुला था, मेरे पेरेंट्स मेरे सामने तैयार हो रहे थे, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी उस वक्त। और ऐसे ही चलता रहा कुछ सेकंड, उसके बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी पाताल से ऊपर पृथ्वी के ऊपर आई, मैं अपने बेड के ऊपर फिर से लेट गई और उसके बाद मेरे कानों में आवाज आने लगी कि परमेश्वर तुम्हें बहुत प्रेम करता है,
परमेश्वर ने तुम्हें चुना है अपनी महिमा को दिखाने के लिए, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है अपनी सामर्थ को दूसरे लोगों में सिद्ध करने के लिए, परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, कम ऑन बेटी, कम कम टू मी बेटी, मेरी मेरी प्रिय बेटी मेरे पास आ। ऐसी आवाजें मेरे कानों में आने लगी और मैं सरप्राइज और शॉक्ड थी, और जैसे ही मैं नॉर्मल हुई, कानों से आवाजें बंद हुई, उसी वक्त मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। और वो ईस्टर का दिन था जब मैं पहली बार परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में और परमेश्वर के घर में गई थी। पहली बार चर्च जब गई थी ईस्टर वाले दिन गई, वो ईस्टर का दिन था। और उस दिन के बाद मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, टोटल लाइफ चेंज हो गई। जब मैंने मसीह को जाना तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी निर्बलता, जो मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी समझती हूँ कि इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, वो कमजोरी मेरी जिंदगी से दूर हो गई। आज ना केवल इस चर्च के लोग, गुरदासपुर ब्रांच के लोग, ऑनलाइन चर्चों में, बल्कि ऑनलाइन लाखों लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं। हालेलुया। उसी तरह से जिस तरह परमेश्वर ने अपने महिमा में, परमेश्वर है अपनी महिमा के धन में से परमेश्वर ने मुझे ये दान दिया कि अपनी आत्मा से भर कर परमेश्वर ने मेरी इनर प्रॉब्लम्स को, मेरी इनर बॉडी में अपनी स्ट्रेंथ को मेरे जीवन में डालकर मुझे अपना बल दिया है, उसी तरह से। और जब ये चर्च जाना शुरू हुए थे तो इनके पास, इनके फैमिली के पास किराया नहीं होता था कभी भी। यस, हम फाइनेंशियली इतने सिक थे, इतने गरीब थे, इतना निर्धन परिवार था, इतनी बीमारियों परेशानियों थे, लेकिन कोई भी बीमारी, कोई भी पैसे की तंगी, कोई भी शर्मिंदगी हमें परमेश्वर से कभी भी दूर नहीं कर पाई थी। हम पवित्रता में खड़े रहे, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहे। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब चर्च आते थे तो इतना किराया भी नहीं होता था कि हम चर्च के लिए जो 100 120 रुपए उस वक्त किराया था कि हम वो पे कर पाए। हमने गांव का एक भी दुकान, जिसे बोलते हैं मनियारी की दुकान, जहां पर सभी बिस्किट्स नमकीन वगैरह मिलते हैं, कोई भी दुकान, कोई घर नहीं छोड़ा था जिनसे हमने पैसा ना मांगा हो। सिर्फ चर्च आने के लिए, सिर्फ चर्च आने के लिए। क्योंकि जब हमने जान लिया कि सातवें दिन जो पहला दिन है उसमें परमेश्वर के घर में आना जरूरी है, तो हमने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया। हमने नहीं देखा कि हमारी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या गरीबी है, क्या शर्मिंदगी है। हमने परमेश्वर को अपना लिया और सीधा परमेश्वर की ओर चलने लगे। और उसके बाद परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में अद्भुत काम किए। आज परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब ये फैमिली जब ये चर्च गए तो ऐसा नहीं था कि एक दिन में इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। Yes, बहुत सालों तक हम ऐसे दुखों में, बीमारियों में रहे, ऐसे परेशानियों में रहे, लेकिन कोई भी दुख, कोई तकलीफ हमें परमेश्वर से, परमेश्वर के घर से हमें दूर नहीं कर पाई। लगातार हम परमेश्वर के वचन में अड़े और खड़े रहे। इसीलिए आज परमेश्वर ने मुझे अपने दास के लिए, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। आमीन। और जब मेरी इसके साथ मैरिज हुई तो ये बहुत सिंपल थी। ये इतनी सिंपल थी कि मुझे मैसेज आए बहुत सारे लोगों के कि लड़कियां तो बड़ी तैयार शहर होकर आपके आसपास फिरती थी, ये सोच गया कि आपको बड़ी मॉडर्न लड़कियां पसंद होंगी, आप चंडीगढ़ से पढ़े हो, ये आपने क्या चुना। इतनी सिंपल, पूरे बाजू वाले सूट, बिल्कुल तेल लगा के, इतना सिंपल। सुनो, जब इसकी मैरिज हुई तो ये 25 साल की थी। हाँ जी। उससे पहले की लाइफ बताओ क्या थी? मैं पहले बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही सिंपल घराने से थी, गरीब परिवार से थी, लेकिन स्टडी का इतना पैशन था मुझे पढ़ाई करने का। जब स्कूल कॉलेज में भी जाती थी तो बहुत सिंपल, तेल मल के बिल्कुल सीधे बाल, सिंपल सूट, 2-4 सूट होते थे गिनती के, जो डाल के चेंज कर करके कॉलेज में, स्कूल में जाती थी। और बहुत ही शाई थी मैं, हमेशा अपनी लाइब्रेरी में बैठी रहती थी मैं। और कोई कोई लड़का नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं जैसे आज होते हैं लोगों। क्योंकि मैं स्टडी में थोड़ी होशियार थी, तो जो क्लास के बॉयज थे अगर उन्होंने मुझसे नोट्स लेने होते थे तो सबसे पहले वो मुझे दीदी बोलते थे। तो पूरे स्कूल में सभी बॉयज मुझे दीदी बोलते थे यूनिवर्सिटी में, और टीचर्स हैरान थे कि तुम्हें ही अकेली एक ही लड़की को सारे लड़के दीदी क्यों बोलते हैं। वो परमेश्वर की महिमा थी, वो परमेश्वर का महिमा में हाथ था मेरे ऊपर कि परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा ताकि आज मैं लाखों रूहों को बचा पाऊं। आमीन। और ये इसको नहीं मालूम, ये मेरी प्रेयर थी कि परमेश्वर जब भी मेरी मैरिज हो तो एक क्लीन लड़की के साथ हो, जैसे मेरी लाइफ। आमीन।
तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर एक बंदा पवित्रताई में कहां भी क्यों ना हो, बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत के, कहता परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, कहता परमेश्वर ने इसलिए चुना जगत के मूर्खों को कि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। बैठ जाओ सब जन अपनी बॉडी में, आत्मा में आप हमारे साथ खड़े हैं, गुरदासपुर बैठ जाओ, सब जगह लोग बैठ जाओ। उसमें लिखा परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वो बलवानों को लज्जित करें। आमीन। कहता परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना आज प्रचार करने के लिए कि तुम बड़ा अच्छा बोलती थी या तुम पढ़ी लिखी थी। आज परमेश्वर ने ऐसे बंदे को चुना जो स्पेशल क्लास में जाके बोलता था कि भाई साहब मुझे खड़े होने के लिए नहीं बोलना, कुछ मर्जी काम कर लो, झाड़ू मरवा लो, पोछा मरवा लो, मॉनिटर बना दो, कुछ भी कर लो, मुझे खड़े होकर कुछ स्पीच देने के लिए नहीं बोलना। और परमेश्वर ऐसे ही व्यक्ति को चुनता है कि कल को वो ये ना कहे कि मेरी ताकत की वजह से मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर ने कहा वरन परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। आप में से कितनी बहनें यहां पे होंगी जो आज गरीब होंगी, कितने भाई यहां पे होंगे जो गरीब परिवार से होंगे, तो आपके स्पिरिचुअल मदर की टेस्टिमनी आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आप कहीं से भी खड़े हो सकते हैं। आपकी गरीबी माइंड नहीं, इमेजिन करो इनके घर रिश्तेदार जब आते थे तो बोलते थे कैसे हो तुम, तो क्या जवाब देते थे आपकी फैमिली जो थी। तो हम हमेशा अपने शब्दों से, हमेशा हम अपने नेचर से परमेश्वर की महिमा करते थे कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं मसीह को जान के, हम अपने परिवार में बहुत सुखी हैं। और अभी गवाही नहीं आई थी परिवार में, एक अभी थोड़ी थोड़ी गवाहियां शुरू हुई थी, अभी बड़ी गवाही नहीं आई थी परिवार में, लेकिन जब भी लोगों ने पूछना भाई तुम कैसे हो, तुम चर्च जाना शुरू हो गए, क्योंकि यही थे उस गांव में जो सभी अन्य जातियों से भरा हुआ गांव है, कि तुम अभी चर्च जाते हो कैसे हो तुम। तो हम खुल के मसीह की प्रशंसा करते थे परमेश्वर की, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, हम बहुत खुश हैं, हम अपनी जिंदगी में हर एक दुख से हमने शिफा पा ली है। हमने कभी भी अपने मुंह से ये नहीं बोला कि बोला था उस वक्त कि हम दुखी हैं, हम बीमार हैं, हम परेशानी में हैं। नो, हमने हमेशा परमेश्वर की अपने शब्दों से महिमा की थी। और आज वैसा ही हुआ, और सेम वैसा ही हुआ जैसा हमने अंगीकार किया था। और ये तीन बेटियां और एक बेटा है, ये थर्ड बेटी है। जब ये हुई थी तो लोग रोए थे, इसकी फैमिली रोई थी इसके पापा के और मदर को छोड़ के। मेरे पेरेंट्स को छोड़कर सभी गांव के लोग हमारे पास अफसोस करने के लिए आ रहे थे जब मेरा बर्थ हुआ, कि पहले ही ऑलरेडी दो गर्ल्स थी, अभी एक और तीसरी बेटी हो गई। तो सभी दुखी थे, सभी दुख के साथ मम्मा पापा के पास आ रहे थे कि अब ये क्या हो गया। लेकिन मेरे फादर बहुत ही खुश थे, उन्होंने बोला कि ये परमेश्वर ने दिया है, ये रब ने दी है, तो परमेश्वर आप ही देखूगा। मेरे फादर ने वर्ड्स बोले से उन्होंने पूरा एंजॉय सेलिब्रेट किया सी मेरे बर्थ नो, मेरे फादर और मदर ने। लेकिन बाकी सारे साडे रिश्तेदार, साडे पिंड दे लोग सारे बहुत दुखी सी कि तीसरी कुड़ी फेर आ गई, क्योंकि तीसरा मुंडा चाहिदा सी इन्हां नू, क्योंकि पहला बेटी सी, दूजी बेटी सी, और जो तीजी बेटी हुई थी मतलब रिश्तेदार मतलब अफसोस मनाने लिए आ रहे थे, मतलब रो के, कोई रो के दिखा रहा सी, कोई अफसोस मना रहे, कोई विरोधी खुश हो रहे थे कि लो ये तीजी कुड़ी हो गई। पर अगर आप ध्यान से देखो, इसी थर्ड लड़की ने अपनी फैमिली का बेटा बन गई है। अब हमारे गांव के लोगों में जो हमारी कमजोरियां थी वो अब हमारे घमंड का कारण बन गई हैं। अब लोग जान गए हैं कि बाकी मसीह परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थ्य और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। अब हमारे गांव के बहुत से लोगों ने मसीह को जान लिया है, बहुत से लोग मसीह में आ गए हैं। अब मेरे फादर मदर अभी परमेश्वर की फुल टाइम सेवकाई में है, मेरा पूरा परिवार अब परमेश्वर की सेवा में है। और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ क्योंकि पहले हमने फेथ रखा, हम विश्वास में अड़े और खड़े रहे, हमने अपने दुखों में, तकलीफों में, कमजोरियों में कभी भी डगमगाए नहीं, हमने कोई डाउट नहीं किया,
हमने सिर्फ यही सोचा कि अगर लाखों लोगों को परमेश्वर बचा सकता है, इतनी गवाहियों को हमने सुना, तो परमेश्वर एक दिन हमारी जिंदगी में भी जरूर कोई गवाही पैदा करेगा। हम विश्वास में अड़े और खड़े रहे, कोई किराया ना होने के बावजूद भी हर संडे पैसे मांग मांग कर हम मसीह के घर में परमेश्वर की प्रेजेंस में आते रहे, पवित्र टाइम में रहे, परमेश्वर के वचन पर चलते रहे। और परमेश्वर ने एक दिन अपनी दया की निगाह मुझ पर की और परमेश्वर ने अपने कामों के लिए मुझे चुना। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो इस सर्मन के लिए, आज इस प्रचार के लिए, जोर से। आमीन। थैंक यू जीसस, बोल दो ऊंची आवाज में।